हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर विल सी एनालिसिस ऑफ लैडर नेटवर्क। तो पहले हम लोग देखेंगे कि लैडर नेटवर्क क्या होता है एंड देन हाउ टू एनालाइज दैट वन। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस नेटवर्क, दिस इज नोन एज लैडर नेटवर्क। ये कहाँ से लैडर आ गया? तो इफ यू रोटेट दिस डायग्राम क्लॉक वाइज देन इट विल अपियर टू बी अ लैडर ओवर हियर। बट इन्होंने ये लैडर हॉरिजॉन्टली रखा है। तो अभी इसको कैसे एनालाइज करने का रहता है और एनालिसिस में क्या पूछते हैं? सो एनालिसिस में वो पूछेंगे यू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ V2 by V1 या V2 by I1 या फिर V1 by I1। ये सब रेशियोज आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। बट ये लैडर नेटवर्क एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि ये I2 जो है ये आपको जीरो दिया गया रहेगा। क्यों ये जीरो हो गया रहेगा? क्योंकि पोर्ट 2 जो रहता है ये ओपन सर्किटेड रहता है। और अगर कोई भी पोर्ट ओपन सर्किटेड है मतलब उसका रेजिस्टेंस या इंपीडेंस है वो इनफाइनाइट हो जाता है एंड दैट्स व्हाई द करंट इज जीरो। तो ये टाइप का अगर नेटवर्क दिया गया है और आपको इसमें से कोई भी रेशियो अगर फाइंड आउट करने का है तो आपका एनालाइज कैसे करने का रहता है? सो यू स्टार्ट क्लाइंबिंग द नेटवर्क फ्रॉम वन एंड, बट बिफोर दैट असाइन द वोल्टेजेस एंड करंट्स एट द इंटरमीडिएट पॉइंट। सो वोल्टेजेस कहाँ पे असाइन करने के? तो देखिए इधर तो V1 है, ये पॉइंट पे इधर V1 है। अभी आगे जाइए, इधर एलिमेंट आ गया है और करंट भी इधर फ्लो हो रहा है। सो हियर यू हैव टू असाइन सम वोल्टेज ओवर हियर फॉर दिस नोड। सो इधर आपको वोल्टेज आपको असाइन करना पड़ेगा एंड दैट यू विल डिनोट एज VA। फिर आगे जाइए, इधर एलिमेंट है, इधर से करंट हो सकता है। सो हियर यू विल हैव वोल्टेज एज VB। आगे जाइए तो इधर आ जाएगा वोल्टेज आपका VC। हाँ, ये मालूम है कि VC और V2 सेम है क्योंकि इधर एलिमेंट नहीं है, बट वी विल डिनोट VA VB VC। और ऐसे भी अगर और एलिमेंट्स दिए जाते हैं तो आपको VA VB VC VD ऐसे डिनोट करते जाने का। ये तो मैंने वोल्टेजेस असाइन कर दिए हैं, अभी आपको करंट्स भी असाइन करने के। तो करंट्स किधर असाइन करेंगे? तो यही हॉरिजॉन्टल आर्म में ही हम लोग करंट्स असाइन कर देंगे। इधर तो करंट है I1, सो इधर आगे जाएंगे तो इधर हम लोग करंट दिखाएंगे IA। देन वी विल शो द करंट एज IB। और अगर सपोज देखा था और एक सेक्शन रहता था तो देयर वी विल शो द करंट एज IC। इधर तो करंट आपका क्या है? I2 इज इक्वल टू जीरो ही है। ओके, तो ये तो हम लोग ने करंट और वोल्टेजेस इधर असाइन कर दिए है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, इधर से सॉल्व करने का। तो पहले आप क्या लोगे? तो पहले आपको वोल्टेज के बारे में बात करना पड़ेगा, देन करंट, देन वोल्टेज, देन करंट, देन वोल्टेज, देन करंट। ऐसे करते करते आपको इधर से स्टार्ट होके इधर तक पहुंचने का है। चलो, तो अभी VC के बारे में कैसे लिखेंगे? तो मैं खाली थोड़े एलिमेंट्स के बारे में आपको लिख के दिखाता हूँ। तो VC इज नथिंग बट V2। अभी वोल्टेज हो गया, नेक्स्ट टर्म आपको लेने का है करंट का। तो करंट है इधर IB। IB कैसे लिख सकते हैं? सो करंट इज नथिंग बट वोल्टेज बाय इंपीडेंस। सो करंट इधर आएगा, दिस साइड द करंट इज जीरो, सो IB नेचुरल विल फ्लो थ्रू दिस वन। सो IB के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? सो दैट इज नथिंग बट VC/Z6, क्योंकि वोल्टेज बाय इंपीडेंस ये करंट आ गया। अभी VC के बदले आपको V2 सब्स्टिट्यूट करने का, सो V2/Z6। सो ये V2 जो क्वांटिटी है ये ऑटोमेटिकली ऐसे प्रोपोगेट होते जाएंगे एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द रेशियो ऑफ V2/V1। और एक बार मैं आपको आगे दिखा देता हूँ क्या होता है। अगर आपको VB फाइंड आउट करने का, तो VB आप कैसे लिखोगे? तो VB इज नथिंग बट दिस वोल्टेज, सो VB इज नथिंग बट IB/Z5+VC। ये कहाँ से आया? तो देखिए आप ऐसे क्लाइम कर रहे हैं बट VB के बारे में लिखते समय आपको इधर का वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज यू हैव टू राइट डाउन। ये कहां से है? तो मैं एक रफ वर्क कर रहा हूं। सो देखिए IB कैसे हो जाएगा, IB स्टार्ट्स एट VB एंड्स एट VC, सो वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय ये इंपीडेंस, ये आ गया Z5। और अभी इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा IB/Z5=VB-VC। तो VB क्या हो जाएगा? VB हो जाएगा आपका IB/Z5+VC। तो वही तो मैं बोल रहा था, दिस VB इज नथिंग बट IB/Z5 करंट इंटू इम्पीडेंस प्लस VC। अभी ये IB और VC तो आपने फाइंड आउट किए हैं, ये आपको इधर सब्स्टिट्यूट करने पड़ते हैं। सो हमेशा ऐसा ही होता है लैडर नेटवर्क के एनालिसिस में, पहले जो दो क्वांटिटीज आपको आपने फाइंड आउट की है वो आपको आगे के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का रहता है। सो आप ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड देन यू विल गेट VB इन टर्म्स ऑफ V2। IA कैसे फाइंड आउट करोगे? अभी देखो, हाँ, एक वोल्टेज एक करंट, एक वोल्टेज एक करंट। अभी IA कैसे फाइंड आउट करोगे? तो IA इधर तक आ जाएगा, सम पार्ट ऑफ द करंट IA विल गो ओवर हियर एंड अनदर पार्ट विल फ्लो थ्रू दिस वन। सो ये डाउनवर्ड करंट क्या होगा? सो डाउनवर्ड करंट होगा VB/Z4। और इधर जाने वाला करंट क्या है? ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिनोट किया है, वो तो रहेगा आपका IB।
तो देखो वीबी और आईबी, इसके पहले के दो स्टेप में आपने कैलकुलेट किया है, अभी ये वीबी और आईबी आपको इधर सब्सटीट्यूट करने पड़ेंगे, एंड देन यू विल गेट आईए इन टर्म्स ऑफ वी टू। फिर आपको कौन सा फैक्ट क्वांटिटी लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा वीए। अभी वीए आप इजीली लिख सकते हैं, देखो ये वीबी कैसे लिखा है वैसे ही आप वीए लिख सकते हैं। तो वी है, आप राइट साइड में जाइए, राइट साइड में जाएंगे तो आपको आई ए और जेड थ्री दिखाई दे रहा है, सो ये होगा आई ए इंटू जेड थ्री प्लस, डोंट फॉरगेट दिस वोल्टेज इज ऑल्सो देयर प्लस वी बी। ये कहाँ से आता है, तो बेसिकली आई ए के इक्वेशन से आता है। आई ए कैसे है, वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाई जेड थ्री, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। देखो फिर से आई ए और वी बी ये इक्वेशन में आ गए हैं, और ये इधर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको वी ए मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वी टू। अभी लास्ट वाला इधर आई वन फाइंड आउट करने का, तो आई वन कैसे लिखने का रहता है, सो आई वन विल अराइव एट दिस जंक्शन एंड इट विल गेट स्प्लिटेड इंटू टू पार्ट, ये डाउनवर्ड करंट कितना रहेगा, सो वो रहेगा वी ए बाई जेड टू, ओके। और राइट वर्ड करंट क्या रहेगा, सो वो है रहेगा आपका आई ए। देखो आई ए और वी ए आपने इधर फाइंड आउट किया है, ये आपको इधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और लास्ट ऐसे करते 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 आप किधर तक पहुंच गए, देखो वी वन तक पहुंच गए, सो वी वन को अभी आपको लिखने का है। तो वोल्टेज कैसे लिखा जाता है, सो करंट इंटू इम्पिडेंस, सो ये हो जाएगा आई वन इंटू जेड वन एंड दिस नोडल वोल्टेज प्लस वी ए। सो बेसिकली ये इक्वेशन कहाँ से आता है, सो आई वन की इक्वेशन से आता है। आई वन इज नथिंग बट वी वन माइनस वी ए डिवाइड बाई जेड वन, तो इसको सॉल्व करके ये मिल गया। अभी आई वन और वी ए आपको सब्स्टिट्यूट करने का है, और वो तो आपने फाइंड आउट किया रहेगा, सो यू विल गेट वी वन इन टर्म्स ऑफ वी टू। तो वही मैं बोल रहा हूँ लैडर, लैडर ये वर्ड क्यों दिया गया है, सो यू स्टार्ट क्लाइंबिंग दिस लैडर फ्रॉम दिस एंड। पहले आप वी टू पे रहेंगे, फिर वी सी इन टर्म्स ऑफ वी टू, देन आई बी इन टर्म्स ऑफ वी टू, देन वी बी इन टर्म्स ऑफ वी टू, आई ए इन टर्म्स ऑफ वी टू, ऐसे करते 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 आप ये पोर्ट तक पहुंच जाओगे, एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट दीज रेशियोज, वी टू बाई वी वन, वी वन बाई वी टू, वी टू बाई आई वन, आई वन बाई वी टू, वी वन बाई आई वन, ये आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पूरा जो मैंने मेथड एक्सप्लेन किया है, ये आपको इजिली समझ में आएगा जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। बट ध्यान में रखें, एक वोल्टेज एक करंट, एक वोल्टेज एक करंट, ऐसे ही आपको सॉल्व करते जाने का है, ओके। थैंक यू।